मुस्लिम समाजावर देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी मॉब लिचिंग, लव जिहाद, बुरखा, मांसाहार अशा अनेक कारणाने हल्ले अत्याचार होत आहेत. पोलीस प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांकडूनही समाजाला न्याय मिळत नाही. समाजात काम करणारे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पक्षात अडकून बसले आहेत. या सर्व बाबींना सामोरे जाण्यासाठी मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक, वैद्यकीय आणि वक्फ सारख्या विभागांमध्ये मुसंडी घ्यावी लागेल. या क्षेत्रातील मागासलेपण दूर झाल्याशिवाय मुस्लिम समाजाची प्रगती होणार नाही असे मत तंजीमे मोमिनींचे अध्यक्ष हाजी शौकतभाई तंबोली यांनी व्यक्त केले. अकलियत सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास संस्थातर्फे तंजीमे मोमिनींमार्फत अहमदनगर जिल्ह्यातील मुस्लिम समाजात सामाजिक कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची बैठक नगर संभाजीनगर रोड येथील कविजंग लॉन येथे पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी तंजीमे मोमिनींचे अध्यक्ष हाजी शौकतभाई तंबोली होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून अब्दुल सलाम खोकर, आर्किटेक्ट अर्शद शेख, डॉक्टर इम्रान शेख, ॲडव्होकेट झहीर मुजावर, ॲडव्होकेट हाफिज जहागीरदार, ॲडव्होकेट फारूक बिलाल, उद्योगपती मुबीन खान, उद्योगपती करीम हुंडेकरी, माजी नगराध्यक्ष हाजी नजीर, अजीम राजे आदी उपस्थित होते. यावेळी शहर आणि जिल्हाभरातून आलेल्यांनी मनोगत व्यक्त करून भविष्यात हाजी शौकत तांबोली यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांनी सुरू केलेल्या समाजाच्या प्रगतीसाठी असणाऱ्या प्रत्येक कार्यात सहभागी होण्याची हमी दिली. दूसरे दो दिन पर तीन दिन पहले से जब प्रोग्राम लेने का ठहर गया, हमने बहुत अच्छे से प्रोग्राम दिया आपको मालूम है, जब प्रोग्राम लेने का ठहर गया तो उसका नाम हमने थोड़ा सा तब्दील कर दिया, तंजीमे मोमिनी लिखा. तंजीमे मोमिनी उलमा करम बटे है, मोमिनी का अल्फाज को अच्छी तरह से जानते जिसका अल्लाह ने जिक्र किया हुआ है मोमिनी के तेबार से. तो हमने ये मोमिनीन की बात इसके लिए कई तंजीम मोमिन है कि मुसलमानों की तंजीम है जिसको कुरान पाक में जिक्र है और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है कि बिलीवर्स ऑर्गेनाइजेशन, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले. हमारी नीयत है कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले. हमारे गुलमा करम ने अभी एक बात भी लिखी, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्त मोमिन कामिल हो, आयत का मायने है. और हस्बैंड यानी हम जो है तो हस्बैंडुल्लाह वाले हैं, हमें दो लाइनों के साथ में इंशाअल्लाह आगे चलने वाले, अल्लाह तवक्कलना, बस अल्लाह की तरफ हमारी तवक्को, अल्लाह के जात से उम्मीद है. बस यह है कि हमको जिसे कहा है कि बस यह कि मेहनत करना जरूरी. अब हम जिस मजमे के सामने बात कर रहे हैं ना, आप लोग हैं, ये आप लोग क्रीम है समाज को और तब्दीलियां समझ में लाना ही पड़ेगी, लाना ही पड़ेगी. उसके लिए हमको जिसे बात कहकर बात कहकर नहीं चलेगा कि इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ये होता हो. कभी कभी तो हमारे घरों में और गलियों में बैठक में हमारे गली से लेकर तो अमेरिकन फिलिस्तीन के राजकारण के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन हमारे माहौल के ऊपर नहीं होती, हमारे माहौल के ऊपर नहीं होती. फिलिस्तीन का जिक्र आता है, होना भी चाहिए, अमेरिकी की राजनीति की बात करके होना भी चाहिए, लेकिन हमारे ध्यान में हमारे यहाँ कौन सी राजनीति चल रही इसके ऊपर जिक्र नहीं होता. और हम पक्ष के अंदर में इतने गुते हुए हैं, पार्टियों के अंदर में इतने बंधे हुए हैं, अभी भी कभी कभी तारुफ देते वक्त माफ करता हूं थोड़ा साफ बोलने की आदत है, अभी भी बोलते बोलते सब बोला जाता कि ये इसका खास कार्यकर्ता है, इसका खास कार्यकर्ता, ये इसका खास कार्यकर्ता. हम बंदे रहना ही है, ताल्लुकात रखना है, सियासत से जुड़े, सियासत की बात नहीं है, लेकिन हम हमारी खुद की आइडेंटिटी भूल रहे हैं और आइडेंटिटी भूलते भूलते हम क्या हो रहा है कि किसी और का प्यादा बनते जा रहे हैं. और हम ये चाहते हैं कि आप खुद सरदार बन जाए, आप खुद सरदार बन जाए मोहल्ले के जरिए, मोहल्ले के जरिए. और मसाजिद एशियन का प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा केरला के अंदर में, और वह कल्चर डेवलपमेंट सेंटर होता है मस्जिद के साथ, और मस्जिदों के साथ में कल्चर डेवलपमेंट होता है, मस्जिद के साथ में मामला सब पूरा तैयार कर रहे हैं. लेकिन माफ करना, हमारे पास मकतब फिक्र की हलचल बढ़ गई, आपने देखा रहेगा नमाजों की तादाद बढ़ गई, दीन के शोबे बढ़ गए, और बड़ी मजबूरी में अल्फाज बोल रहा हूं मैं, उतने ही दरार तेजी से बढ़ते जा रही है, समझ लेने का, उतना ही दरार तेजी से बढ़ते जा रही है. मस्जिदियों में आने के बाद में मुक्तदियों को
अमाल के तरतीब के बजाय अकायद की बातें कहकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। अगर किसी एक शख्सियत ने किसी एक का प्रोग्राम दिया तो दूसरे अकायद वाले उसके तरफ में पीठ फिराते हैं। इसी अहमदनगर शहर में, अहमदनगर जिले में हो रहा है। अब ये सब जायजा लेने के बाद में हमने ये सोचा है, हमको उसके अंदर उलझना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, हम उसके अंदर दूर नहीं कर सकते। तो हमको दूर किस तरह से करना है, इसके लिए हमने एक बात के ऊपर सोचा है, उसके लिए हमने शैक्षणिक बात के ऊपर सोचा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बात करके आगे निकल जाता तो आपके इंप्रूव होना है। शैक्षणिक बात के ऊपर सोचता हूं, शैक्षणिक बात की जो बात आती है कि 1947 से अगर हमने जायजा लिया गया अभी तक का, तादाद बढ़ गई मुसलमानों की, जनसंख्या बढ़ गई, सब बढ़ गई, लेकिन गुज़िश्ता साल की फिगर है कि हमारा हायर एजुकेशन और एजुकेशन परसेंटेज डाउन हो गया। सुनकर आप यकीन भी नहीं कर सकेंगे, डाउन हो गया ना परसेंटेज, तादाद बढ़ गई डाउन हो गया परसेंटेज, हायर एजुकेशन तो परसेंटेज डाउन हो। अब इसके लिए जिम्मेदारी कब तक हम औरों के ऊपर डालेंगे? हमारे यहां संस्था है, टीचर भी हमारे हैं, आमला भी हमारा है, तो हम एक शोभा उसके ऊपर लोग बात करेंगे। मैं सिर्फ सरसरी तौर पे अपने सब्जेक्ट की बात बोल के रखता हूं। वकील हजरत भी अपने तौर पे सिर्फ क्राइम की बात, सब पूरे बात, मदरसे की बात, मसाजिद की बात को नहीं है। तादाद बढ़ गई, एजुकेशन की संस्थाएं बढ़ गई, सब बढ़ गए, आसबाब बढ़ गए। हमारे यहां लड़कियों का एजुकेशन परसेंटेज भी बढ़ गए और लड़कों का डाउन हो गया। लड़कियां सर्विसेज में ज्यादा जाने लग गई, लड़कों का नस्बत उसके अंदर तिजारत से दूर चौक में आ गए। हमारे मोहल्ले की, हमारे रात की वो शान बन गई। हमारे यहां चौकीदार की, पहरेदार की जरूरत रही नहीं हमारे मोहल्लों के अंदर। हमारे लड़कों की हालत तेज बातम्यांसाठी ई नवावाडा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।